गुड मॉर्निंग क्लास 5। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश 1। तो इंग्लिश 1 की बुक निकालिए और इसमें देख लीजिए आज हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 6, इंटेलिजेंट बीवल। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ टेक द करेक्ट आंसर। तो इसको नोट्स में देख लीजिए आप। सबसे पहला काम है डेट डालने का, 21 सितंबर 2020। लेसन का नाम है इंटेलिजेंट बीरबल। तो फर्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। तीन ऑप्शन दिए हैं, एक सही है, जो सही है उस पर हमने टिक करना है। तो देखिए, 1, किंग अकबर एंड हिज क्वीन शिफ्टेड टू द न्यू कैपिटल इन। जो हम जो राजा अकबर थे वो और उनकी जो क्वीन थी, रानी थी, वो शिफ्ट हो गए थे एक नई कैपिटल में, अपनी नई राजधानी में, जो आगरा में थी, दिल्ली थी या फिर फतेहपुर सिकरी थी। तो अकबर का जो राजा अकबर की जो नई राजधानी थी, जहां वो अपनी रानी के साथ शिफ्ट हो गए थे, वो कौन सी जगह थी? वो थी, कैपिटल थी फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो देखिए, द कोर्टियर्स वर डैश ऑफ बीरबल। जो अकबर के दरबार के जो कोर्टियर्स थे, जो उनके दरबार में जो दरबारी थे, जो लोग थे, वो बीरबल से होते थे एंग्री, हैप्पी या जेलस। वो बीरबल से क्या करते थे? जलन करते थे। तो इसका सही आंसर है जेलस, तो हम उसको यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, द कोर्टियर्स वॉन्टेड, ए देखिए, बीरबल टू बी लेट डाउन बिफोर द किंग। बी देखिए, किंग अकबर रिवॉर्ड बीरबल। सी देखिए, किंग अकबर टू पनिश बीरबल। तो जो कोर्टियर्स थे वो क्या चाहते थे? वो क्या चाहते थे कि बीरबल को राजा के सामने नीचा दिखाना चाहते थे, या चाहते थे कि बीरबल को जो अकबर है वो अवार्ड दे, या फिर वो चाहते थे कि जो अकबर है वो बीरबल को पनिश करे। तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे ए ऑप्शन, बीरबल टू बी लेट डाउन बिफोर द किंग। वो राजा के सामने बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। फोर देखिए, द कोर्टियर्स ए वन द बैटल विद बीरबल। बीरबल के साथ जो उनका बैटल थी, जो युद्ध था, तो वो जीते थे। लॉस द बैटल विद बीरबल, वो बीरबल के साथ जो अपना बैटल था वो हार गए, या फिर वर इक्वल विद बीरबल। तो कोर्टियर्स जो थे वो क्या हुए थे? द कोर्टियर्स लॉस्ट द बैटल विद बीरबल। उन्होंने जो उनकी लड़ाई बीरबल से हो रही थी दरबार में, उसको वो हार गए थे। लॉस्ट, लॉस्ट द बैटल विद बीरबल। ठीक है, तो ये आपने कॉपी में करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक आपने आज अपनी कॉपी में टिक द करेक्ट आंसर इसी तरीके से करना है। ओके,